छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी के लिए तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। रायगढ़ के बरमकेला, डोंगरी पाली, सरिया के इलाके ओडिशा से लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने इन जगहों पर खास तौर पर नजर रखना शुरू किया है। इस बीच सोमवार को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बरमकेला बस स्टैंड पर गांजा लेकर के बस की इंतजार कर रहा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वह व्यक्ति साधु वेश में दिखाई दिया। वह इन्वर्टर लेकर के खड़ा हुआ था। इस पर पुलिस ने उससे पूछताछ करने लगे तो वह घबराने लगा। जांच करते देखा तो वह गेरुवस्त्रधारी अधेड़ घबराते हुए पुलिस से बचने का प्रयास करता रहा। पुलिस ने कहा कि बाबा जरा इन्वर्टर खोल करके दिखाइए। पहले तो वह टाल मटोल करता रहा, लेकिन पुलिस ने थोड़ी सी शक्ति दिखाई तो इन्वर्टर में गांजा भरवा पाया गया। इस पर पुलिस ने उसे साथ में रखे बोरी को भी खोलने को कहा। उसमें भी गांजा के पैकेट रखे हुए थे। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अरुण पंचाल, उम्र 52 साल बताया है। वह उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के चिरगांव का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों ने नए नए तरीकों से गांजा की तस्करी कर रहे हैं। अब अन्य राज्य के लोग भी गांजा तस्करी के लिए छत्तीसगढ़ में आना जाना शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।